अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं एक और गाड़ी बाय करने जा रहा हूं, तो हम लोगों ने गाड़ी बाय फाइनली कर ली है। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे और स्पेशली हम लोगों को जिस तरह की गाड़ी लेनी थी उसमें ऑप्शंस कम थे, लेकिन हम लोग ने दो तीन मतलब कि जैसे होते ब्रांड्स में देखा। और ये भी एक इशू था कि मेरे पास इससे पहले मर्सिडीज़ CLA 250 थी, तो मुझे वो भी ट्रेड इन करनी थी क्योंकि मुझे बैंक को पे ऑफ भी करना था। तो मुझे ये भी था कि कोई ऐसी मतलब कंपनी हो जो मुझसे गाड़ी ट्रेड इन पे ले और मेरी पिछले जो गाड़ी की प्राइस है उसको फुली पे ऑफ कर दे। तो फाइनली हम लोगों को एक ऑप्शन दिखा, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन था और वो था होंडा प्रोलॉग का। ये गाड़ी खास इसलिए और इसमें कम ऑप्शन मैं आपको जो बता रहा था गाड़ी में कम थे क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रिक कार चाहिए थी और ये एक फुली इलेक्ट्रिक कार है। और टेस्ला एक ऑप्शन था लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, लेकिन ये हम लोगों को हमारी बहुत अच्छी प्राइस पे पड़ा और मेरी जो पिछली कार थी उसको इन लोगों ने बैंक को फुल पे ऑफ कर दिया, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे ऑप्शन में मिली है। मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, तो ये यहाँ से चार्ज होती है, यहाँ इसका चार्जर लगता है। अगर आपको फास्ट चार्जर लगाना है तो इसके ये ऑप्शन भी होता है, आप फास्ट चार्जर लगा सकते हो। हम लोगों को बेसिकली होंडा वालों ने तीन ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन ये था कि आप हमसे मतलब कि $1500 तक ना एक पॉइंट ले लें और आप इसको कहीं पर जाके ना जैसे जो गैस स्टेशन टाइप जो इलेक्ट्रिक स्टेशन होते हैं वहाँ पर जाके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये था कि हम आपके घर पर आके आपको मतलब कि $300 तक रिवॉर्ड दे देते हैं और आपके घर पे आके एक फ़ास्ट चार्जर लगा देते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन था वो ये था कि आप एक स्लो चार्जर ले लें और हमसे $500-$600 तक आप हमसे रिवॉर्ड ले लें। तो हमने स्लो चार्जर वाला लिया जो क्योंकि वो पोर्टेबल चार्जर, आप उसको कहीं भी लेकर जा सकते हो और कहीं पे भी चार्ज कर सकते हो और किसी भी स्विच के साथ वो चार्ज होगा जैसे एक लैपटॉप नॉर्मली चार्ज होता है। अगर बात की जाए गाड़ी की बाहर के लुक की, तो ये इसकी जो लुक है होंडा की जो न्यू आई है होंडा अकॉर्ड, उससे बहुत मिलती जुलती इसकी लुक है। ये वजह है कि काफ़ी SUVs में क्या होता है ना कि वो वाकई में मतलब कि उनकी शेप्स इतनी अच्छी नहीं होती, और इलेक्ट्रिक जो SUVs आई थी उसमें काफ़ी SUVs ऐसी थी जिनकी शेप्स अच्छी नहीं थी। ये काफ़ी अच्छा लगा इसका, काफ़ी अच्छा आप ये देख सकते हैं, ये मतलब एक सीडान टाइप लुक दे रही है। और मैं आपको इसका बैक की जो बात बताऊं, बैक में भी मुझे काफ़ी इसका अच्छा लगा है, स्पेशली जो जिस तरह का फॉन्ट इन लोगों ने होंडा के लोगों पे फॉन्ट यूज़ किया आप देख सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये मतलब के ऑल व्हील ड्राइव है और इलेक्ट्रिक ई इसकी आप देख सकते हैं। अगर पीछे से देखा जाए तो रेंज रोवर जो है उस टाइप की भी ये लुक दे रही है, अगर आप इसकी लाइट्स देखें तो ये उस टाइप की ही है। तो ओवरऑल मुझे इसकी लुक बहुत अच्छी लगी थी, ये वजह भी। तो मुझे ना गाड़ियों की ज़्यादातर लुक का होता है, मुझे उसका नहीं पता होता कि ये कितने मतलब कि हॉर्स पावर क्या है, ये क्या है, मुझे इन चीज़ों का इतना कोई नहीं होता। मुझे बस ये होता है कि उसकी लुक अच्छी होनी चाहिए, जिस वजह से मैंने इसको चूज़ भी किया। बाहर से तो मैंने आपको गाड़ी दिखा दी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से गाड़ी। तो ये है बेसिकली गाड़ी अंदर से, ये आप देख सकते हैं। इसके लेदर की तो मतलब के सीट्स नहीं हैं क्योंकि ये एक बेस मॉडल है, तो इसमें भी मतलब के तीन तरह के मॉडल्स आते हैं, आपको बेस मॉडल लेना है, मीडियम लेना है या प्रीमियम क्लास लेना है। हम लोगों ने बेस मॉडल लिया, हम लोगों को प्रीमियम क्लास में भी जाने की ज़रूरत नहीं थी इतनी, तो हम लोगों ने बेस ही लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं, तो आप ये देख रहे होंगे कि इसकी अभी 70% बैटरी है और ये 194 माइल तक चल सकती है अभी ये गाड़ी। और अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ कि मैंने बटन दबाया, कोई आवाज़ नहीं इस गाड़ी में, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। मतलब कि जो लोग स्पोर्ट्स कार को पसंद करते हैं, जैसे कि मेरे पास मैंने आपको बताया पहले इससे पहले स्पोर्ट कार थी और मुझे जीप भी इसलिए अच्छी लगती थी इसके साउंड की वजह से, इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं है, तो ये एक दुख की बात है स्पेशली हम जैसे कार लवर्स के लिए। मैं यार कार लवर सिर्फ मतलब चलाने के मुताबिक हूँ, इतना चीज़ों को पता नहीं होता। एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है ना इसमें, ठीक है साउंड नहीं है लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, वो ये है कि इसके अंदर दो स्क्रीन्स हैं, एक ये और एक ये। तो पहले क्या होता था कि अगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ना तो मैप देखने के लिए हमें बार बार यहाँ देखना पड़ता, तो आगे कभी रश होता है तो काफ़ी खतरा होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अब ऐसा नहीं है, अब आप मतलब कि मैप आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, तो वहाँ से देखो, आपको यहाँ बार बार स्क्रीन में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मोबाइल को चेक करने की ज़रूरत है। अगर आपको मैप नहीं देखना, अगर आप बोर हो इससे, तो आप चेंज भी कर सकते हो ये फीचर। ये इसमें एक और फीचर है, इससे ये होता है कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये होता है कि आप रश में और आपको पता नहीं है कि गाड़ी का कितना गैप है आपके और दूसरी गाड़ी के बीच, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और ये बीप करेगी। अगर आप इस एडजस्ट मतलब कि इस गैप से ज़्यादा क्लोज हो गाड़ी के, तो वो ये बीप करेगी।
दूसरा इसमें मतलब कि स्क्रीन को मैं अगर फिर चेंज करता हूँ तो इसमें ये एक और ऑप्शन है कि अगर आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा म्यूज़िक या कौन सा मीडिया चल रहा है, स्पीड मीटर है ये, और सामने मतलब कि टाइम और जिसको बोलते हैं टेम्परेचर बता रहा है। बात की जाए गाड़ी की गेयर्स की, तो इसके गेयर यहाँ पर नहीं है, इसके गेयर ये हैंडल गेयर हैं। तो बेसिकली ये रिवर्स में चलेगी, ऊपर करोगे नीचे करोगे तो ड्राइव में चली जाएगी, ठीक है, और अगर बटन दबा दोगे तो ये पार्किंग में लग जाएगी। तो इसके गेयर्स यहाँ पे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हो यहाँ पे। ये मेरे अब्बू को काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि उनको यहाँ पे स्पेस चाहिए होती है। अक्सर क्या होता है कि हमें मोबाइल रखना होता है तो स्पेस नहीं होती, तो इसकी काफ़ी मसला होता है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हो, कीज़ वगैरह रख सकते हो, मतलब कि अगर देखा जाए तो कप होल्डर है, ये वायरलेस चार्जर है, आप यहाँ पर अपना मोबाइल रखते हो वायरलेस चार्ज होगा। ज़्यादा फीचर जैसे मैंने बताया नहीं है, लेकिन यहाँ से सारे टेम्परेचर सेट होते हैं, ये भी टेम्परेचर सेट करने के लिए रखा हुआ है इन लोगों ने। इंटीरियर आप देख सकते हैं, इंटीरियर इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें रखनी है, जैसे भाई हमने रखी हुई भी हैं अभी काफ़ी चीज़ें, तो टायर चेंजर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसको यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये यहाँ के बैक सेंसर्स लगे हुए हैं कि मतलब के पीछे अगर आप बैक कर रहे हैं तो ये बीप करता है और आपका एक्सीडेंट ना हो। अब मैं आपको इस गाड़ी की ड्राइव करके दिखाता हूँ थोड़ी बहुत, और हम लोग इसको चार्ज पे भी लगा के दिखाता हूँ आपको कि ये चार्ज किस तरह करती है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, यह आपने देखा होगा गाड़ी में कोई भी आवाज़ नहीं है। तो हम लोग चल पे भी सारे दरख्त कलरफुल हो चुके हैं क्योंकि फॉल्स आना शुरू हो गया है। इसमें आप लोग अगर गौर करें कि आवाज़ आ रही होगी आपको, तो बेसिकली ये आवाज़ है कि ताकि आपको पता हो कि गाड़ी स्टार्ट है, क्योंकि इसमें इंजन की वॉइस तो है नहीं, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट है नहीं। तो इसमें इन लोगों ने एक वॉइस डाली हुई है जिस वजह से आपको पता चल जाता है कि गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी की स्पीड की बात की जाए तो बहुत क्विक है, बहुत क्विक। जैसे आप अभी मुझे देखिएगा, मैं पीछे कर जाऊंगा, आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल मैं पीछे चला गया, और अभी ये देखें ये कैसे जाएगी। तो गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत क्विकर है। मतलब कि अगर आप गाड़ी को भगाना चाह रहे हो, रेस लगाना चाह रहे हो, तो आप 1 से 60 तक तो बहुत जल्दी जाओगे, लेकिन आप 60 के बाद थोड़ा स्लो हो जाओगे, क्योंकि मतलब कि ज़ाहिर पता है इंजन वाली कार ज़्यादा स्पीड पकड़ती है थोड़ी देर बाद। अब जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस गाड़ी में ना इंजन नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके वैसे है क्या इसमें। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, एक एंड पता नहीं दो दफ़ा करना होता है कितना भाई। ये है भाई, ये बेसिकली बैटरीज लगी हुई हैं, इसमें कोई इंजन विंजन नहीं है इसमें, बाकी सेम ही लगता है, लेकिन ये इंजन नहीं है, बैटरीज हैं इसकी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका चार्जर हम लोग गाड़ी में ही रखते होते हैं, तो ओपन की, ये है भाई इसका चार्जर, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इसका चार्जर है, सेम लाइक हम मोबाइल चार्जर। अब इस चार्जर को हम लगाएंगे इस स्विच में, लाइक दैट, इसको ओपन किया, ये है इसकी स्विच, हमारे गैराज के बाहर लगे हुए हैं। यहाँ पे ये क्या, और ये लगेगा इसके अंदर, इसमें टेस्ला की तरह नहीं होता, ऐसे ऐसे करके इसके इसको दबाना पड़ता है, बड़े जोर का दबाना पड़ता है, इसको खुल गया। अब मैंने इसमें ये इंसर्ट किया, बस अब यहाँ पे ब्लू लाइट जल जाएगी जो मुझे बता देगी, ये ब्लू लाइट जल गई, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्लू लाइट जल गई, और अंदर आप देखते हैं कि ये कितना टाइम बता रहा है हमें चार्ज होने में, तो 80% ये चार्ज होगा बाय सैटरडे 7 बजे। अभी यहाँ पे जुम्मा है, मतलब कि फ्राइडे है, और 5 बज रहे हैं, मतलब 24 घंटे बाद ये इस स्लो चार्जर से ये चार्ज करेगा कितने परसेंट, 20%। तो ये बहुत स्लो चार्जर है, लेकिन
जो इसके दूसरा चार्जर है जहाँ हम लोग जाके चार्ज करते थे, जो कि वॉलमार्ट पे है, जगह जगह लगा हुआ है फास्ट चार्जर, वो विद इन लाइक 15 to 20 मिनट 80% चार्ज कर देता है अगर वो 0% पे भी है। तो इसका ये नहीं है कि भाई ये अगर, और हम लोग इसको मतलब कि कम होने ही नहीं देते, हम लोग 50-60% में इसको ना रात को चार्जिंग पे लगा देते हैं, सुबह पूरा दिन यूज़ करते हैं, रात को चार्जिंग पे लगा देते हैं, तो ये चलता रहता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि हमें अभी तक कोई इशू हुआ है कि भाई इसकी चार्जिंग ख़त्म हो रही है, हम लोग बीच रास्ते में टेंशन में आ गए हों। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। इंशाल्लाह अभी हम और अच्छे कंटेंट के साथ रहेंगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।